अधियों तो ये खड़ा है चेतक का प्रीमियम एडिशन हमारे सामने। इसमें यार कंपनी ने कुछ तीन चीज़ें ऐसी स्पेशल फीचर दे दिए हैं जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है। अगर आप अपने लिए एक बेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने का प्लान बना रहे हैं तब आपके लिए चेतक का प्रीमियम एडिशन एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। इसमें कंपनी ने क्या चेंजेस किया है, क्या खास होने वाला है? पहले इसमें अर्बन एडिशन एक आता था लेकिन अभी ये एक प्रीमियम एडिशन भी आ गया है। प्रीमियम एडिशन में कुछ प्रीमियम फीचर वगैरह भी कंपनी ने दे दिए हैं। तो आइए हम आपको दिखा देते हैं। तो सबसे पहले तो जैसे कि यहाँ पर एक हुक है तो यहाँ पर आप अपना सामान यहाँ पर हुक की मदद से फंसा सकते हैं। साथ में जो सीट की कुशनिंग है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होने वाली है राइडर के लिए भी और पिलियन के लिए भी। यहाँ पर आपको एक ग्रैब रेल देखने के लिए मिल जाएगी। रियर का प्रोफाइल बात कर लें रियर से हम तो यहाँ पर आपको LED टेल लाइट देखने के लिए मिल जाएगी। और ये जो मोटर है ये 4.5 किलोवाट की इसमें आपको मोटर देखने के लिए मिल जाएंगी। रियर में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन है जिसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होने वाली है। यहाँ से हम इसके बटन को एक बार दबाते हैं तो इसका जो क्लस्टर है वो यहाँ पर ऑन हो जाएगा। और क्लस्टर जी ही जो है इसका वही है इसका मेन फंक्शन। इसी में आपको काफ़ी सारे फंक्शन देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पर वेलकम फीचर आ जाएगा, यहाँ पर आपको न्यूट्रल बता देगा, बैटरी बता देगा कितनी चलने वाली है, राइडिंग की रेंज क्या होगी। यहाँ पर आपको टाइम से लेकर डेट से लेकर सारी चीज़ें बता देगा, राइडिंग की रेंज बता देगा। यहाँ से आप म्यूज़िक प्लेयर भी कर सकते हैं यानी कि अपने मोबाइल से इसको फुल्ली कनेक्ट कर सकते हैं। यही है इसके प्रीमियम फीचर। और यहाँ पर इसकी मदद से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे ब्लूटूथ नेविगेशन सेटिंग, यहाँ पर व्हीकल इंफॉर्मेशन यहाँ पर सेव कर सकते हैं। डिस्प्ले जो है ये इसका ये 4.5 इंची का है तो इसमें सारी फीचर इसमें आपको फंक्शंस वगैरह बता देगा। यहाँ पर ब्लैक कलर की कुछ इस तरीके से फिनिशिंग है और यहाँ से भी आप इसको कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। यहाँ से इसके टर्न ऑन इंडिकेटर कर सकते हैं और साथ में यहाँ पर ये जो बटन है इसको दबा कर आप इसको रिवर्स भी कर सकते हैं साथियों। तो मीटर में जो है वो फंक्शंस हैं, खास चीज़ यही है। और अगर इसको हम ये जो बटन है इसको हम दो बार दबा देते हैं तो यहाँ पर इसका खुल जाता है, ये लॉक हो जाएगी आपकी। तो यहाँ से जैसे कि आप इसका एक बार ये दबाएंगे तो ये इसका जो है इसको थोड़ी देर आप दबा के रखेंगे तो यहाँ से इसका खुल जाएगा बूट। तो बूट आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी सारा स्पेस है, 15-16 लीटर का यहाँ पर बूट स्पेस है, 15.5 लीटर का। यहाँ पर ये जो लाइट भी लगी है तो स्पेस अच्छा है, आसानी से आपका एक हेलमेट यहाँ पर बन जाएगा। साथ में यहाँ से आप इसको चार्ज कर सकते हैं, यहाँ पर चार्जिंग का सॉकेट लगा हुआ है। और मेन चीज़ क्या है कि यहाँ पर ये देख सकते हैं कुछ बंद इस तरीके से यहाँ पर होगी जाती हैं यार। और यहाँ पर जब आप इसको दो बार टैप करेंगे तो यहाँ से खुल जाएगा इसका फ्रंट का स्पेस जिसमें आप यार अपना मोबाइल चार्ज पे लगा सकते हैं। यहाँ से देख सकते हैं USB चार्जिंग का सॉकेट यहाँ पर लगा हुआ है, साथ में टूल किट रखी है और फास्ट एड किट रखी है यहाँ पर। तो देख सकते हैं स्पेस है यहाँ पर अच्छा खासा। और साथ में मित्रों यार जो मेन चीज़ है वो है इसका यार क्लस्टर, यानी कि क्लस्टर में ही इसके फंक्शंस काफ़ी सारे मिल जाते हैं। तो ये वाली चीज़ है अर्बन और इसमें क्या फ़र्क है वो हम आपको बता देते हैं। तो जो इसका अर्बन एडिशन था उसका जो क्लस्टर है वो कहीं ना कहीं गोल राउंड शेप में आता था तो उसमें थोड़े बहुत फीचर कम मिलते थे, लेकिन ये जो है इसमें आपको फ़ीचर काफ़ी सारे मिल जाएंगे। साथ में अगर इसके हम प्राइस रेंज की बात कर लें तो ये आपको 1,45,000 रुपये का मिल जाएगा, जो अपनी अपनी सिटी के हिसाब से ऊपर नीचे हो सकता है। खैर आपको कैसी लगी अर्बन ये प्रीमियम एडिशन चेतक का कमेंट में ज़रूर बताना मित्रों। लुक्स काफ़ी बढ़िया है, साथ में इसमें आपको यार 3.5 किलोवाट की बैटरी देखने के लिए मिल जाएगी और घर पर चार्ज करेंगे तो 3.5 से 4 घंटे में ये चार्ज हो जाएगी। साथ में यहाँ पर DRL देख सकते हैं कुछ इस तरीके से जलेंगी आपकी यार साथियों। और इस गाड़ी के अगर हम ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर लें तो यहाँ पर यार आपको 160 mm का गाड़ी में ग्राउंड क्लियरेंस मिलने वाला है स्कूटर में, तो सड़कों से भी स्कूटर काफ़ी ज़्यादा ऊंचा होने वाला है। साथ में यहाँ पर अगर हम इसके फ्रंट के टायर की बात कर लें तो ये जो टायर आप देख रहे हैं 90-90 12 इंची का टायर होने वाला है, ट्यूबलेस टायर होने वाला है। यहाँ पर एलॉय व्हील देखने के लिए मिल जाएंगे और फ्रंट में आपको डिस्क की प्लेट भी देखने के लिए मिल जाएगी। तो हम दिखा देते कुछ इस तरीके से इसमें आपको फ्रंट में डिस्क की प्लेट देखने के लिए मिल जाएंगी, यहाँ पर अपसाइड डाउन सस्पेंशन देखने के लिए मिल जाएंगे। तो इनकी क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होने वाली। यहाँ पर फ्रंट में थोड़ा बहुत स्पेस है तो लेग रूम भी इसका बढ़िया है साथियों। और देख सकते हैं आपको फ्रंट का हम लोग दिखा देते हैं, यहाँ पर आपको DRLs देखने के लिए मिल जाएंगी, यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट LED हेडलाइट्स हैं और यहाँ पर अंदर में चेतक की यहाँ पर बैचिंग की है। फ्रंट का लुक आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से होने वाला है।
यहाँ पर चेतक की डिज़ाइन है और ग्राफिक्स आप देख सकते हैं LED टर्न ऑन इंडिकेटर हैं, साथ में जो बिल्ट की क्वालिटी है वो भी बढ़िया होने वाली है। यहाँ पर इसकी अगर हम चाबी से शुरुआत कर लें तो कुछ इस तरीके से इसमें यहाँ पर आपको दो की देखने के लिए मिल जाएंगी, जिसकी मदद से आप इसको लॉक अनलॉक कर सकते हैं, कुछ फीचर वगैरह को यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। साथ में अगर हम इसके सीट की हाइट की बात कर लें मित्रों, तो यहाँ पर आपको 780 mm की सीट की हाइट मिल जाएगी देखने के लिए। तो अगर आपकी हाइट 5.2 भी है तब भी आपके लिए ये गाड़ी जो है वो बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना साथियों। और अगर हम इसके रियर में देखें तो रियर आप देख सकते हैं कितना ही प्रीमियम है साथियों यार। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।